नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। देश में इन दिनों किसान सड़कों पर है। दिल्ली के आसपास काफी दिनों से वो डेरा जमाए हुए हैं। आज धीरे धीरे दिल्ली से होता हुआ ये आंदोलन तमाम जगहों पर फैल रहा है, देश के कोने कोने में फैल रहा है। हालांकि सरकार कह रही है ये एक राज्य का आंदोलन है, लेकिन वो पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं वर्तमान में रीवा में हूँ। रीवा में यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है यहाँ पर भी आंदोलन जारी है। इन दिनों एक नए शब्द का इजाद हुआ है, जीवी परजीवी, जिसमें अंत में कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, ये इस बेहतर तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। बताइए ये क्या है। देखिए, ये तो पूरी तरह देश के साथ जो है देश का अपमान किया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सदन के अंदर आंदोलनकारियों को परजीवी कह करके उनको अपमानित किया है, और ये आपराधिक कृत्य है। हम देश का किसान घोर निंदा करता है, और देश का किसान प्रधानमंत्री की बातों से अपमानित हुआ है, जो क्षम्य योग नहीं है। इसका बदला जरूर किसान लेगा। किसान बदला लेगा, क्या आपको भी लगता है कि शिव सिंह जो कह रहे थे ये वो सही है, या आप उसको किस नज़र से देखते हैं? जो शिव सिंह कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और हम लोगों के देखने का नज़रिया ये है कि जो आंदोलन है ये आज़ादी की दूसरी जंग कोई समान आंदोलन नहीं, और जो तीनों काले कानूनों की वापसी वाली जो चर्चा है, तो हम लोग पलवल बॉर्डर में 2 महीने रहे, तो जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश के किसानों ने ये तय कर लिया है जब तक बिलों की वापसी नहीं होगी किसान वापस होने वाला नहीं। मैं बीच में आपको रोकूंगा। आपने कहा मैं पलवल बॉर्डर पे 2 महीने। पलवल मेरे ख्याल से हरियाणा और दिल्ली को टच करता है, तो हमारे दर्शकों को समझाइए वहाँ पर किस तरीके का माहौल देखा था आपने? पलवल बॉर्डर जो है, तो दर्शकों से कहना चाहते कि जो मध्य प्रदेश है जहाँ पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, पलवल बॉर्डर में आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के बहादुर किसानों ने की है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और प्रदेश के अलग अलग कोने से सैकड़ों की तादाद में जो किसान वहाँ पहुँचे, इन लोगों ने वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत की, और अंतिम समय तक ये मोर्चा मध्य प्रदेश के किसानों के नेतृत्व में चला। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राम नारायण कुरली। राम नारायण जी बता रहे थे पलवल में मध्य प्रदेश के लोगों ने ही आंदोलन की शुरुआत की थी, हालांकि सरकार कह रही है ये केवल एक राज्य का आंदोलन है। सुब्रत जी, आप किसानों से लगातार जुड़े रहे हैं, किसानों के हित की आवाज आप हमेशा उठाते, यहाँ पर भी लगातार देखा जा रहा है आप यहाँ पर धरने प्रदर्शन में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सरकार जब ये सत्ता में नहीं थी तो ये भी आंदोलन करती थी, तो इस शब्द को आप किस नज़र से देखते हैं? हमने तो जो आज तक सुना है, परजीवी तो पौधे और वनस्पतियों में होते थे, उनकी डालों में जिनके तने नहीं हैं, नीचे जड़ें नहीं हैं, और वो पेड़ों से अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि प्रजातंत्र की जड़ किसान है, गाँव है, और उसको ही वो भूल गए। वो परजीवी हैं। देश की सारी पार्टियां, कोई भी राजनीतिक दल परजीवी हो सकते हैं, वो किसान तो जीवी है, और वो सदैव जीवन सबको देता है, उसके ऊपर ये लटके हुए सब परजीवी हैं। और भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े परजीवी हैं, जो किसानों का बेहतरीन तरीके से कृषि का तीनों कानून लगा के शोषण कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, पेड़ें हमेशा खड़ी रहती हैं, पेड़ों की जड़ें हमेशा धरती तक रहती हैं, उसी तरह हमारे किसानों की इस देश में प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं वो किसानों और मजदूरों के कारण मजबूत हैं, ये न भूलें। जिस दिन हमारे किसान देश के भरण पोषण करना छोड़ देंगे, उस दिन आप जैसे परजीवी सूख जाएंगे। परजीवी शब्द की व्यापक परिभाषा सुब्रत जी ने दी, अब क्या है या सही है ये आप लोग को ही तय करना है। मैंने तो केवल एक शब्द की परिभाषा उनसे पूछी थी, उनकी व्याख्या आप लोगों ने सुनी। मेरा सवाल आपसे है, लगातार आप केंद्र के या सत्ता के खिलाफ सड़कों पे रहे हैं, खास तौर से पूंजीपतियों के, तो इस परजीवी और पूंजीपति, क्या ये माना जाए कि पूंजीपति आपकी मदद कर रहे हैं, आपके आंदोलन को चला रहे हैं? नहीं, पहले वाले सवाल का तो बहुत ही साफ जवाब है कि इस लोकतांत्रिक मूल का प्रधानमंत्री जो है, जिस देश के अंदर लोकतंत्र हो और उस देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लोकतंत्र का अपमान है।
इस देश के अंदर इस तरीके के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया बयान, महात्मा गांधी और देश के आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस मुल्क के लिए, उन सारे लोगों के का अपमान है जो इस देश के लोकतंत्र के लोकतंत्र पर अपना भरोसा रखते हैं, उनके साथ ये अपमान है इस तरह का देश का प्रधानमंत्री कहे। नंबर दो, जो आपने ये कहा कि क्या इस को पूंजीपति चलाते हैं, इसको पूंजीपति नहीं चलाते हैं, पूंजीपति चलाते हैं मोदी साहब, हाँ, क्योंकि उनके इशारों पर, पूंजीपतियों के इशारे पर ही ये तीनों काले कानून लाए गए हैं। कोई परजीवी है इस देश के अंदर तो मोदी जी हैं, वो अडानी और अंबानी के मदद पर, उनके ऊपर वो निर्भर है। ये जो किसान है, जैसा कि मेरे दूसरे साथियों ने कहा कि ये तमाम मुल्क के, तमाम दुनिया के लोगों को जो है ये खुद जीवन देता है, खुद अन्नदाता है, तो इस देश का किसान कतई परजीवी नहीं है। इस देश का आम आवाम जो है वो परजीवी नहीं है, वो इस लोकतंत्र का पहरी, इस लोकतंत्र का पहरी है। किसान हमारा परजीवी नहीं है, हम अपने से जो भी उगाते हैं आंदोलन में उसी को खा रहे हैं। हमारी कोई भी पूंजीपति मदद नहीं कर रहा है, पूंजीपति जिसकी मदद करेगा वो परजीवी हो सकता है। कुछ इस तरीके की चर्चा जीवी परजीवी पर निकल कर आई है। मैं आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा, आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया और एक नए शब्द को नए तरीके से परिभाषित किया। तब तक के लिए अपने मेज़बान एक बार फिर से जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, हम एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच में जल्द हाजिर हों।